Sirisi, are we on the same wavelength? हाँ हाँ सर, वो एक्चुअली पता नहीं फॉर सम रीजन फोन कर दिया था. अच्छा ओके. तो मेरा ये मानना है कि हम जो है उसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हुक करें, ठीक है ना, कि ये हायरार्की में डीआईजी से लेके आईजी से लेके हर कोई बैठा हुआ है एंड द पर्सन कैन बी टेकन टू टास्क. और जब हम एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल कर रहे हैं तो हम उसको पुराने केसेस भी दे सकते हैं कि साहब ये इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ये है, देखो इसने 100 और केसेस में केस रजिस्टर नहीं किया है. सो प्लीज हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डूइंग हिज लीगल ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिवली. यू एग्री विद दैट? हाँ जी सर. ओके, अब इस रिकॉर्ड के साथ हम फिर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी में भी चले जाएं, ठीक है ना, जिसमें कि हम जो है थ्रू द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम क्वेश्चन बना के सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है ना पहुंचे कि देखो इस थानेदार ने इतने केसेस में कॉग्निजेंस नहीं लिया है, क्या जो है राज्य शासन इस थानेदार को सस्पेंड करेगी क्या, यदि नहीं तो क्यों नहीं करेगी, राइट. तो हम जो है अभी जो एक फरियादी अकेला लड़ रहा है यदि उसके पीछे एक संस्था खड़ी हो जाएगी और उसमें एक एडवोकेट का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और वो नेटवर्क भी जो है एडवोकेट शुड गेट ए सम रेवेन्यू स्ट्रीम जिससे कि उसकी जो एनर्जी लग रही है उसका एक फेयर कंपनसेशन, नॉट बड़ा कंपनसेशन, एक फेयर कंपनसेशन शुड कम टू हिम. और चूंकि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे तो सम टोटल ऑफ दैट कंपनसेशन विल बी वेरी लार्ज, इट मे बी वेरी बिग अमाउंट, राइट. जी जी, ठीक है ना. और हमारे पास जो है इट दे विल बिकम द एन नंबर ऑफ इविडेंसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एफआईआर आल्सो, राइट. प्रोसेस ऑफ एफआईआर क्या, कि एफआईआर गई फिर उसने नहीं सुनी इसका इविडेंस हो गया, उसने एक बॉडी को अप्रोच किया इसका इविडेंस हो गया, उसको जब लीगली एग्जामिन किया तो उस पॉइंट ऑफ द टाइम जब पहली बार रिपोर्ट किया गया और उसमें कितना गैप हुआ, और तो वो ही विल बिकम द विटनेस टू द इवन प्रोसेस ऑफ एफआईआर, राइट. जी जी. अच्छा, उसको जो अब जब हम डिजिटल जो है उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है दैट विल बी लॉग्ड विद द डेट टाइम एंड लोकेशन एंड इनक्रिप्टेड एंड लॉग्ड विद द हैश वैल्यू, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी वुड बी क्रिएटेड, राइट. तो हम ये भी कह रहे हैं कि कंटेंट में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, हमने उसमें कोई फोटोशॉप या डीप टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, राइट. तो हमारी जो वर्तमान प्रोसेस ऑफ एफआईआर है इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ एफआईआर दैट विल बी ऑन वेरी वेरी सुपीरियर फूटिंग, नंबर वन. एंड नंबर टू, इट विल नॉट बी ड्रिवन बाय द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट. मतलब वो एडवोकेट कौन होगा वो सिस्टम चूज करेगा, राइट. मतलब आपके पास तो कंटेंट आ गया है, सिस्टम के पास जो एडवोकेट होंगे उनमें से एडहॉक किसी को देगा वो कि प्लीज जो है ना गिव योर व्यूज एंड ही बिकम द विटनेस. एंड दैट जब हम अप्रोच करेंगे तो इवन वो सब जो एफिडेविट्स हैं वो भी जो है ना साथ में जाएंगे कि आई एम विटनेस टू द प्रोसेस, दिस आई हैव रिसीव दिस कंटेंट एंड दिस आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई हैव गिवन दिस लीगल ओपिनियन. जी जी. देयरफॉर जो है ना आई एम द विटनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंटेंट, राइट. मतलब वी कैन इवन एडवोकेसी में और उसमें हम वो चीजें भी ला सकते हैं फॉर क्रिएटिंग और ही हिज जो है टेस्टिमनी शुड बी कुड बी डिपॉजिट और कुड बी जो है ना एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. एंड वो जो वो बात कह रहा है वो किस कानून के तहत एडमिसिबल है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी भी साथ में लगा दिया जाएगा, तो कोई उसको बाद में ये भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं साहब ये तो जो है ना एडमिसिबल ही नहीं है, दिस इज ए एक्स्ट्रा लीगल थिंग्स विच कैन नॉट बी एडमिटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट. इट इज नॉट एडमिसिबल, तो वो फंडा भी उसमें नहीं होगा. अच्छा, देन जो है फाइनली इन एक्सट्रीम केसेस वी कैन कंपाइल द केसेस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कैन वी से कि पुलिसिंग करना क्या राज्य सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? व्हाट डू यू फील सर? हेलो हेलो. हाँ, मेरा ये कहना है कि यदि मान लो 60% 70% यदि ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, कैन इट बी पहले तो ये फैक्ट्स कंपाइल होके इट कुड बी ब्रॉट इन ए टोटल स्टैटिस्टिकल एज वेल एज प्रूफ कॉन्सेप्ट कि कितने केसेस रजिस्टर नहीं हुए, ठीक है ना, नंबर वन. नंबर टू जो है कैन वी से दैट कि
अच्छी पुलिसिंग करना या पुलिसिंग करना इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. डू यू फील इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर शेड्यूल 7 एंट्री 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? शेड्यूल 7 लिस्ट 2? नहीं नहीं सर, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? सर इट इज ओके. अब यदि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई सरकार 80-90% केसेस में इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है, तो कैन वी कंक्लूड दैट इट इज ए फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? बट सर दैट हेलो गवर्नर. हाँ हाँ, दैट कंक्लूजन हैज टू कम फ्रॉम द गवर्नर. नहीं नहीं, इट इज नॉट ए गवर्नेंस. मेरा ये कहना है कि लिस्ट 2 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दी गई है. सर अंडर आर्टिकल 352 द कंक्लूजन. हाँ हाँ, आपकी आवाज बेटे थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है. हेलो हेलो, वन सेकंड, कैन यू चेंज योर पोजीशन सो दैट यू आर मोर ऑडिबल? सर आई जस्ट सर क्योंकि श्रेयसी मेरा मानना ये है कि हम कलेक्टिवली अवेलेबल ऑप्शंस को यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों की हिम्मत हो रही है हमारी एफआईआर दर्ज ना करने की, इसलिए लोगों की हिम्मत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपने आदेश को पालन करने की ताकत नहीं है. तो हमारी मैकेनिज्म विल हेल्प सुप्रीम कोर्ट to make it sure that cognizable offences are taken cognizance and it cannot be governed by discretion or discretionary and pleasure doctrine of anyone in the hierarchy, including the Chief Minister. Approach Do you agree with me? मतलब are we? हाँ sir. मतलब practical solution तो हमें लाने ही पड़ेंगे. नहीं, इस बात से आप सहमत हैं कि इसको हम, चूंकि ये जो है state responsibility में अंडर शेड्यूल 7 एंट्री 2 लिस्ट 2 में पुलिसिंग इज वन ऑफ द कोर सॉवरन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यदि 80% केसेस और जो है ना कॉग्निजेबल यदि रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो कैन वी इन्फर इट इज ए फेलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? कैन जो है ना अवर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच द गवर्नर के दीज आर द फैक्ट्स, प्लीज लुक इन टू इट एंड एडवाइज टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फेलोअर ऑफ constitutional machinery and let the government be dismissed under article 356. यदि हम एक government को भी इस ground पे भी dismiss कराने में सफल हो गए, तो किसी भी राज्य सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि cognizable case में वो interfere करे और उसमें FIR ना होने दे. आप do you agree with this approach? So अपन ने इसमें चार तरीके की अकाउंटेबिलिटी को एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत ग्राउंड पे लाके खड़ा कर दिया, राइट? एक हो गया है लीगल मैकेनिज्म, जिसमें हमने सीआरपीसी के सेक्शन 39, सीपीसी का जो है ना सेक्शन जो है 80, और चार पांच जो है ना हमने उसमें उसका यूज किया, सेक्शन 154(1) ऑफ द सीआरपीसी जिसमें कि थानेदार को कॉन्फिडेंस लेना है, 154(3) जिसमें कि सीआरपीसी का जिसमें कि एसपी को कॉन्फिडेंस लेना है, और 156(3) जिसमें कि मजिस्ट्रेट को कॉन्फिडेंस लेना है. एंड इन तीनों की ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल अकाउंटेबिलिटी है, उनको लॉर्डशिप बनाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ना थानेदार को, ना एसपी को, और ना ही कंसर्निंग मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी, राइट? देन जो बहुत डिजर्विंग केसेस हैं उसमें उन फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए वी कैन देन अप्रोच द सुप्रीम हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 टू डिलीवर जस्टिस, टू इंटरवीन एंड डू जस्टिस, राइट? एंड फाइनली इन मोर रेयर केसेस जिसमें कि बहुत ही बड़ी चीज हुई है, वी कैन रियली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट विद द पीआईएल और विद कॉन्टेम्प्ट पिटीशन, राइट? तो ये लीगल हो गया है. फिर अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कहा था, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली भी घेरेंगे, फिर हम उसको विधानसभा और पार्लियामेंट में भी घेरेंगे थ्रू क्वेश्चंस, और हम उन मेंबर्स के थ्रू जो कि सरकार को घेरना चाहते हैं, चूंकि वो ऑलरेडी घेरना चाहते हैं, हम पूरे मटेरियल और डॉक्यूमेंट के साथ वो मसाला उनको दे देंगे, और हर सेशन में ये होगा तो बहुत समय तक मोटी खाल जो है
करना जो है ना सरकार के लिए मुश्किल जाएगा, और फिर उस पे जो है जो डिलीवरेशन होंगे उसका कवरेज के लिए हमारी संस्था भी जो है ना विल स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स, विल इवन इफ रिक्वायर्ड इट विल पब्लिश मैगजीन। हमें जो है आज के न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं हो, जरूरत होना चाहिए, बल्कि वी कैन इवन हैव अवर न्यूज लेटर ऑल्सो, सो दैट जो है हमारी अपनी बात ऑब्जेक्टिवली कहने के लिए हमें किसी सरकार के माउथ पीस की जरूरत ना हो, किसी जो है मीडिया हाउस के जो कि जो ऑलरेडी बिके हुए हैं, जो अपने खुद के जो है बिजनेस के इंटरेस्ट को परसू कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जरूरत ना हो। जी जी, यदि ये जो है और कोई करने के लिए तैयार नहीं है तो व्हाई क्राइम फ्री भारत जो है एनजीओ शुड नॉट कम फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी टू मेक इट हैपन, अलॉन्ग विद द बैंड ऑफ द जो है ना एडवोकेट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड गिविंग देम द रेवेन्यू स्ट्रीम। नेशनलिस्ट काम के लिए नहीं करना है, क्योंकि नेशनलिस्ट काम में जो है ना आदमी रेसिडुअल एनर्जी लगाता है, यदि उसको रेवेन्यू मिलेगी तो वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी लगाएगा, वो मेहरबानी नहीं कर रहा है, ही इज गेटिंग ए फेयर अमाउंट ऑफ दैट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर डूइंग दैट जॉब। आप इस बात को कैसे रिएक्ट करते हैं? सर अप्रोच तो ठीक है एंड ये मुझे लॉजिक भी ठीक लगा कि आदमी की जो मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ अगर इनकम होगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, बट सर आप इसके लिए क्या करेंगे आप? पार्डन मी सर, मुझे तो ठीक लग रही है अप्रोच। अप्रोच ठीक लग रही है तो आप अपने कुछ ग्रुप ऑफ उनके साथ हम एक वी शुड नॉट गो ऑन लाइव स्ट्रीम टू कन्वे दीज फीलिंग्स एंड देन इनको हम क्राइम फ्री भारत में, तो चूंकि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मैं इनको अडॉप्ट करता हूं, टेक्नोलॉजी लाता हूं एंड उस चूंकि उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगी तो टेक्नोलॉजी वाले को भी पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा और सामने वाले को न्याय मिलेगा। तो आप किस हद तक जो है ना इस बात से सहमत हैं? सहमत तो मैं हूँ, फुली सहमत हूँ। ओके, तो आप जो है एक तो जो हमारी वार्तालाप हुई है इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इफ यू फील कंफर्टेबल आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन क्राइम फ्री भारत, और हम एक सेशन भी करें जो कि जिसमें यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स आल्सो, जो कि बल्कि जो है ना यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स दोज हू आर प्रैक्टिसिंग इन अदर हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? ओके सर। एंड देन यदि लगता है तो हम जो है उस सेशन में जो है देन मतलब बने सभी रहेंगे, लेकिन वी कैन से दिस इज नाउ फोकस्ड फॉर द तमिलनाडु, दिस इज फोकस्ड, तो उसमें जो उन हाई कोर्ट्स के जजेज हैं उनको भी जो है ना हम पैनल में लेके उसी तरीके का जो है ना हम रिपीट जो है वो करना चाहेंगे, तो जिससे कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द एडवोकेट का उनका व्यूज और लीगल प्रोसेस का व्यू उसमें आ जाएगा, राइट? और बैक एंड से वी विल अप्रोच अवर टीम जो कि इतने सारे इंटर्न्स हमारे काम कर रहे हैं टू डेवलप द टेक्नोलॉजी सो दैट इट शुड बिकम लेस टीडियस, उसमें जो राइटिंग वर्क है दैट कुड बी ऑटोमेटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट एंड उसमें डिजिटल सिग्नेचर के प्रोविजन रखेंगे सो इट कैन बी डन रिमोटली विदाउट मच ऑफ द जो है ना इनकन्वीनियंस, राइट? इस तरीके का जो है ना फंडा लाएंगे एंड देन इट विल बी रियली क्रिएटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर एवरीबडी एंड वी वुड बी इन पोजिशन टू टेक अवे द प्रेजेंट एवरेशन, क्योंकि अभी जो है ना एक विक्टिम होता है जो कि भटकता है, इसमें जो है ना विक्टिम ने अपनी एक बार बात कह दी फिर जो है ना उसे कहीं नहीं भटकना है, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट एंड द पर्सन दोज हू आर पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस दे विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट? एंड फॉर दैट द विक्टिम विल बी पेइंग, द कंप्लेनेंट मे बी पेइंग ए टोकन फीस, जिसको कि अपन सब लोग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द टोकन फीस, और वी कैन इवन हैव द प्रोविजन की जो है जो टैक्स पेइंग लोग हैं उनका जो है ना ये रहेगा, जो नॉन टैक्स पेइंग है उनका जो है ना ये रहेगा, इस तरीके का एक उसमें फंडा जो है लगाया जा सकता है सो दैट वी कैन रियली ब्रिंग ए वर्केबल मॉडल ऑन द ग्राउंड, और जिसमें कि हमारे पांचों चारों जो है अकाउंटेबिलिटी को हम घेरे मतलब चारों तक जाएंगे, हम चाहे सफल हों चाहे ना हो, मतलब हम 356 में स्टेट गवर्नमेंट को डिजॉल्व करने का भी जो है ना कोशिश करेंगे, एटलीस्ट हमारा ये होना चाहिए कि साल भर में कम से कम एक स्टेट गवर्नमेंट को हम धराशायी यदि कर पाए तो, राइट? और यदि हम कंस्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट में ला पाए
तो पूरी ग्राउंड पे डायनामिक्स बदल जाएगी। अभी चाहे थानेदार हो तो इसलिए वो बबर शेर बन रहा है कि उसको ये लग रहा है कि इट इज नॉट हिज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका जो है ना प्लेजर डॉक्ट्राइन है, मतलब उसका दिल करेगा तो मानेगा, उसका सेटिस्फेक्शन होगा तो मानेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि सर ये आपके प्लेजर डॉक्ट्राइन से नहीं है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू रजिस्टर द ऑफेंस इफ फ्रॉम द कॉन्टेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। और हम उसके साथ एक और भी प्लेज लेंगे कि यदि सिस्टम ने ये डिसाइफर किया कि ये गलत FIR है या क्राइम फ्री भारत ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज किया गया है, तो वी विल अप्रोच पुलिस अलोंग विद द एविडेंस फॉर द एक्शन अंडर 211 एंड 182। तो हम जहां पे वो कर रहे हैं, इवन जो उसका अपोजिट पार्टी है, वी विल अलाउ टू फाइल ए काउंटर कंटेंट टू अस, राइट? वी कैन हैव अवर विंग ऑफ द वॉलंटियर्स टू लुक इन टू इट एंड विद कम आउट द एविडेंस। पुलिस का तो इन्वेस्टिगेशन जीरो वैल्यू का है, इट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट फॉर द करोबरेशन। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टेंट किसी दूसरे प्रोसेस के तहत भी लाया जा सकता है, और यदि उस प्रोसेस के तहत लाया जाता है तो दैट विल बी एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यदि मान लो सीरेसी ने मुझसे कुछ कहा है और मैं उसको कोर्ट में डिपोज करना चाहता हूं, तो दिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जी जी ठीक है सर, तो आई विल अप्रोच माय फ्रेंड इन द हाई कोर्ट। मैं ये सोच रहा हूं कि अपना एक आप हर हाई कोर्ट से एक विंग बनाओ, एक जो है ना ग्रुप बनाओ, और फिर अपन उसको बाद में जो है ना इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी लेके जाएंगे, तो जिसमें कि हम एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को लें जो कि पहले जो है थ्योरेटिकली इस बात पे डिबेट करें, राइट? उससे फायदा ये भी निकलेगा कि कहीं से हो सकता है जो चीज हम लोग के दिमाग में नहीं आ रही है, हो सकता है वो चीज उभर के सामने आए, राइट? और वो चीज उभर के सामने आएगी तो हम उसका सोल्यूशन डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि मकसद तो न्याय दिलाना है, मकसद अन्याय करना नहीं है। एंड वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट यदि हमारी जो व्यवस्था का किसी ने गलत FIR के लिए यूज किया, तो उसके तो जान लेने के लिए हम लोग पीछे पड़ जाएंगे, वो भी मेकिंग यूज ऑफ द लीगल प्रोविजन। देन हम लोग जो है देन दिस CFB विल बी डूइंग लीगल एडवोकेसी। तो हमारा कहना है कि जो सरकार नियम कानून नहीं बना पा रही है, उसके ड्राफ्ट बना के हम प्राइवेट मेंबर के तहत जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों ना ले जाए। मतलब देन जो है ना वी विल बी डूइंग ए लीगल एडवोकेसी मेकिंग यूज ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। अच्छा, उससे क्या होगा, अभी जो है ना तो इसको किसी को इतना ज्ञान होता है, राइट? यदि लोगों को पका हुआ मटेरियल मिल जाएगा तो देर विल बी एन नंबर ऑफ द मेंबर्स, दोज हु विल बी हैप्पी टू टेक इट टू द फ्लोर ऑफ दिस, एंड देर इज ऑलरेडी प्रोविजन ऑफ द प्राइवेट बिल। तो जिन चीजों में जो है ना सरकार नहीं कर रही है, जैसे अज्यूम करिए कि बैनिंग द क्रिमिनेबिलिटी, उसका एक मॉडल लॉ बना के हम जो है प्राइवेट बिल के तहत क्यों ना पुटअप करें कोर्ट में, डिलीवरेशन में आएगा ना। फिर जो है ना कम से कम जो है इन BJP कांग्रेस सब एक्सपोज होंगे ना। ठीक है सर, तो अभी के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही है ना कि वेरियस हाई कोर्ट में हमें ग्रुप ऑफ एडवोकेट ढूंढना है हु वुड बी इंटरेस्टेड। वेरी ट्रू। और फिर हम इस प्रोसेस को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे कि हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं, और उसमें हमें फिर उसमें अपन कुछ डिलीबरेशन करेंगे कि इस रेवेन्यू मॉडल क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फीस, एंड दैट एवरीथिंग विल बी डन डिजिटली। तो जैसे ही मान लो उसका पेमेंट होता है, दैट रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है सर, उसको कोई बिल रेज करने का कोई फंडा नहीं रहेगा उसमें, आपने काम किया आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा, ठीक है ना? ठीक है सर, तो इट विल बी ए रेवेन्यू जनरेशन मॉडल ऑल्सो, और इट विल एनहेंस योर कैपेबिलिटी टू हैंडल केसेस। तो यदि अज्यूम करिए कि आपको 150 रुपए फीस मिली, राइट? लेकिन आप जो है विद इन नो टाइम एक एक मिनट के एक्सपेंडिचर उस पर या दो मिनट लगा के यू कैन जो है ना, बिकॉज AI विल बी हेल्पिंग, AI विल बी क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, AI विल बी हेल्पिंग यू, यू आर पुटिंग ए डिजिटल सिग्नेचर, तो उसमें आपकी पर्सनल एनर्जी कम लगेगी, तो हम जो है ना ज्यादा केसेस को हैंडल कर पाएंगे, और प्रोबेबली वी कैन गिव द जस्टिस, और जिन लोगों स्पेशली उन एडवोकेट्स को अपन रेवेन्यू स्ट्रीम दे पाएंगे जिनको उनकी प्रैक्टिस ही नहीं चल रही है किसी कारण से।
नहीं सर, ठीक है सर, तो मैं इसमें देखती हूँ, मैं जिन जिन एडवोकेट को अप्रोच कर सकती हूँ मैं करती हूँ, फिर मैं आपका नंबर मैं सेव कर लेती हूँ, फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट करती हूँ सर। राइट राइट सर, बिकॉज इसको हमें एक मूवमेंट में कन्वर्ट करना है और हमें भाषण नहीं देना है, हमें करके दिखाना है, क्योंकि इस व्यवस्था में जिसमें कि 42% जो है हमारे नेता क्रिमिनल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कोई कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है, जहां ये अपने फेवर के बिल जो है बिना बहस के जो है ना पास कर देते हैं, जहां पर कि जो है ना एक दिन भी आप किसी हाउस में या कहीं रहते हैं मेंबर तो आपको पेंशन का अधिकार है, 40 साल की नौकरी करने वाले जो है ना ब्यूरोक्रेट को जो है 2004 के बाद पेंशन का अधिकार नहीं है। ऐसे जो है ना नियम कानून और बनाने वाले जो है ना नेताओं को उनकी नेतागिरी से बाहर करना होगा। मतलब दिस शुड ऑल्सो बी समवेयर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राइम फ्री भारत, कि ऐसे नेताओं को नहीं घुसने देना है जो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। मतलब चुनाव के समय देन क्राइम फ्री भारत विल गो फॉर द एडवोकेसी के साथ जो है हमारी एक विंग रहेगी जो नेताओं के अपराधों को जो है इकट्ठा करेगी, एंड प्रोबली वी विल टेक सेशंस, वी विल सी टू इट के हाउ वी कैन रियली मेक इट श्योर दैट जब तक हम लीगल कानून नहीं बना पा रहे हैं, हम इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म के तहत इन नेताओं को कैसे एक्सपोज करें। ठीक है सर, तो मैं एक थोड़ा सा डाटाबेस बना। अच्छा ये बताओ पहले तो आप हमारी पूरी बात से सहमत है ना? हाँ सर जी पूरी बात से सहमत। चलिए तो अब क्या करेंगे आप, मुझे जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। सर मैं अप्रोच करती हूँ हाईकोर्ट में अपने जो भी कलीग्स हैं, जो अगर इस मॉडल से अग्रीड हैं और इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट। नहीं पहले तो उनसे कहें कि जो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, अभी एग्री और डिसएग्रीमेंट तो अपन जो है ना वो चर्चा अपन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रखेंगे ना, क्योंकि वी वांट टू इवन इन्वाइट डिसेंट इन अवर अप्रोच। राइट, वो डिसेंट से हमें फायदा क्या होगा, पहले उनसे कहो कि डू एग्री फॉर द डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, वो डिस्कशन को हम फिर अपने यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत पे लाइव करेंगे, या जो है ना लाइव नहीं करेंगे तो अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, है ना? लाइक श्रेसी जो है ना, थैंक यू वेरी मच, आई नीड यंग लीडर्स लाइक यू जो कि समाज में एक परिवर्तन अपनी दम पे ला सकते हैं। जी सर, इट्स अ प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद योर movement. Right. I am grateful. I really need this movement. Right. Thank you. Namaskar. Sir, have a good day, sir.